अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। नए आने वाले खुशामदीद लोगों को खुशामदीद कहूंगा। आज हम बात करने वाले हैं वीवो के दो मॉडल्स की, वीवो Y22 और वीवो 33T की। लेकिन इससे पहले जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन वाला बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास मेरी अपडेट्स आती रहें। मैं आज बात करने वाला हूं इन दो मॉडल्स की जो कि 2022 में लॉन्च किए गए, वीवो Y33T भी और वीवो Y22 भी। आप ये देखें कंपनी आपको चूना कैसा लगा रही है वीवो Y22 की शक्ल में, 464 के साथ लॉन्च करके। आप इसकी मैं जो है आगे आपको स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूं, दोनों को कंपैरिजन कीजिएगा, फिर आप आइडिया हो जाएगा कि कंपनी आपको चूना किस तरह लगा रही है। देखें वीवो के मॉडल्स अब ज़्यादा चलने शुरू हो गए तो कंपनी ने ये सोचा कि लो जी हम एक 464 वाला भी लॉन्च करके देखते हैं, एक ट्राई करते हैं ओप्पो की तरह 464 वाला वेरिएंट लॉन्च करते हैं अब 4000 रुपये में और फिर देखते हैं क्या बनता है। वीवो Y22 की प्राइस जो है वो लगभग जो है 4000 के है राउंड अबाउट, और वीवो 33T की जो प्राइस है वो 52000 के राउंड अबाउट जो है अप्रॉक्सीमेटली इसके प्राइस है। तो दोनों की स्पेसिफिकेशन आप देखिएगा फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि कंपनी आपको चूना लगाती किस तरह है। देखें सबसे स्पेसिफिकेशन बताने से पहले एक बात को लाजमी आपने समझना है कि कंपनी जो है, मैंने इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, कंपनीज ने अपना स्टॉक जो है वो साइड पे किया ताकि प्राइस जो है लोगों को पता चले कि जी प्राइस इसके बड़े अबव होंगे, डॉलर के प्राइस ऊपर चले गए, हम इसको महंगा लॉन्च करेंगे ताकि लोग यही समझें कि जी ये डॉलर के रेट के प्राइस की वजह से जो है फोन जो है महंगा लॉन्च किया गया। ऐसा कुछ भी नहीं था, इन्होंने सिर्फ ये है कि ब्रांड जो है एक बन गया वीवो, इन्होंने सोचा कि हम ये वाला फ़ोन लॉन्च करें। ये मेरे ख्याल से सरासर ज्यादती है आप लोगों के साथ भी कि आपको स्पेसिफिकेशन कुछ नहीं दे के आपसे ये 50000 यार एक अमाउंट है पाकिस्तान में भी कि यार एक आप फोन जो है परचेज करने लगे हैं तो वो आपको दे क्या रहे हैं। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको कंपैरिजन करके खुद ही आपको बल्कि कंपैरिजन करके दूंगा, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार इसमें डिफरेंस क्या है और कंपनी आपको चूना किस तरह का लगा रही है। प्लीज आप वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको पता चल सके कि मैंने इस वीडियो में कहा क्या है। वीवो Y22 में IPS डिस्प्ले LCD दी गई है जबकि वीवो Y33T में भी IPS डिस्प्ले LCD लगाई गई है। इनके रिफ्रेश रेट की बात करूंगा तो रिफ्रेश रेट Y22 में भी 30Hz है जबकि वीवो Y33T में भी 30Hz दिया गया है। इनकी PPI की बात करूंगा तो PPI वीवो Y22 में 264 PPI है जबकि वीवो 33T में 388 PPI दिया गया है। इनकी स्क्रीन रेजोल्यूशन की हम बात करेंगे, स्क्रीन रेजोल्यूशन Y22 में 720x1560 है जबकि वीवो Y33 में 1080x2408 दिया गया है। इनकी स्क्रीन की साइज की हम बात करें तो स्क्रीन साइज वीवो Y22 में 6.5 इंचीज है जबकि वीवो 33T में 6.8 इंचीज दिया गया है। इसके बाद हम परफॉर्मेंस देखते हैं, अगर परफॉर्मेंस देखी जाए इसमें चिपसेट की हम बात करेंगे, CPU हम जिसको बोलते हैं जो वीवो Y22 है इसमें हीलियो G85 दिया गया है जबकि वीवो Y33T में स्नैपड्रैगन 688 स्नैपड्रैगन लगाया गया है जो कि क्वालकॉम का प्रोसेसर है। इसके बाद हम इनके GPU की बात करें तो वीवो Y22 माली लगाया गया है इसमें GPU G52 MC2 के साथ जबकि वीवो Y33T के जो GPU है वो है एंड्रीनो 610 इसमें लगाया गया है। अब हम कैमरा की बात करें, कैमरा की बात तो लाजमी की जाती है, वीवो Y33T में जो मेन कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल है जबकि अल्ट्रा वाइड 2 मेगापिक्सल दिया गया है, डेप्थ इसमें 2.0 है। इसके बाद हम बात करेंगे वीवो Y22 की, इसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल है जबकि डेप्थ कैमरा इसमें 2 मेगापिक्सल दिया गया है। अगर इसमें मेन कैमरे वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो वो है 1080 30fps पे रिकॉर्ड करेगी जबकि वीवो Y33 जो है वो भी 1080 पे रिकॉर्ड करेगी 30fps के साथ। अगर हम सेल्फी कैम की बात करें तो वीवो Y22 में सेल्फी कैम 8 मेगापिक्सल दिया गया है जबकि वीवो Y33 में 16 मेगापिक्सल दिया गया है। अगर हम इनकी सेल्फी वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो वो है वीवो Y22 की 1080 30fps के साथ है जबकि वीवो Y33T की जो है मेन रिकॉर्डिंग वो भी 1080 30fps के साथ दिया गया है। स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज जो है वीवो Y22 में 4GB रैम और 64GB के साथ इसको लॉन्च किया गया जबकि वीवो Y33T को
8GB रैम और 128GB रोम के साथ इसको लॉन्च किया गया। बैटरी की दोनों की बात करें तो Vivo Y22 में 5000mAh बैटरी है, जबकि Vivo Y33T में भी 5000mAh बैटरी है। चार्जर की बात करें तो चार्जर भी दोनों का सेम है, 18W कंपैटिबल करते हैं दोनों। तो आपको खुद सोचना है कि यार कंपनी हमारे साथ करती क्या है। मैंने आपको कुछ बेसिक्स स्पेसिफिकेशन बताई है, पैसा जाया है। Vivo Y22 आप इससे बेहतर है, Vivo 33T जो है वो आप बाय कर सकते हैं। तो जी थी ये हमारी आज की वीडियो, जो कंपैरिजन मैंने आपको बताया दोनों का। तो इंशाल्लाह इस तरह की अच्छी अच्छी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा, आपको बचाता रहूँगा। जो फ़ोन लेना चाहिए जो नहीं लेना चाहिए मेरी वीडियो को लाजमी यार कमेंट किया करें, ताकि मुझे पता तो चल सके कि हाँ यार आपको कुछ समझ लगी नहीं लगी। तो लिहाजा मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और लाइक लाजमी कीजिएगा, बहुत शुक्रिया आपका। शेयर किया करें यार दूसरों के साथ भी, कम से कम दूसरों को तो पता चल सके कि यार कोई बंदा है जो इन्फॉर्मेशन सही दे रहा है, अच्छी दे रहा है। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।